हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्सिम ओ ड्राई सिरप के बारे में। ये सिरप जो कि एक एंटीबायोटिक है, बच्चों को दे सकते हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन में यूज करवा सकते हैं। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसके प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टैक्सिम ओ फोर ड्राई सिरप सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और कई प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस सिरप को किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर वन, यूरिन के इन्फेक्शन में, अगर बच्चा को यूरिन इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज करवा सकते हैं। नंबर टू, सर्दी खांसी जुकाम अगर बच्चा को हो तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं, उसमें बेस्ट रिजल्ट है इस सिरप का। और दोस्तों, ज़्यादा हो तो इसके साथ एंटी कोल्ड सिरप, जैसे कि सीनारेस टैबलेट होती है उसी तरह सीनारेस सिरप भी आती है, तो सिरप आप बच्चों को लगा सकते हैं इसके साथ। नंबर थ्री, बुखार में अगर बच्चा को बुखार आता हो तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। नंबर फोर, नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं बच्चों को। नंबर फाइव, अगर कान में कोई प्रॉब्लम हो, फोड़े फुंसी निकल जाए तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं सिरप। नंबर सिक्स, अगर बच्चा बाई दफ़ा जल जाए तो दोस्तों, जलने के बाद जख्म सा बन जाता है तो उस जख्म को भी सही करता है सिरप, तो उसमें भी यूज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स में, परेशानियों में यूज करवा सकते हैं इस सिरप का, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बच्चा सही हो जाएगा कुछ खुराक पीते ही। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज़ कैसे करें। तो दोस्तों, इसका डोज डॉक्टर खुद बताते हैं, बच्चे को देख के उसके हिसाब से। वैसे इसको दिन में दो बार नॉर्मली तौर पर ले सकते हैं शाम सुबह। दोस्तों, ये एक ड्राई सिरप है जो कि इसके अंदर एक स्टील वाटर, छोटा सा पानी की बोतल होती है जो कि इस सिरप के अंदर मिलाना होता है। ये जो आपको निशान दिख रहा है तो इसके बराबर आप पानी डालें इसमें, उसके बाद घोल के मतलब शेक करके बच्चों को पिलाया जाता है। अगर आप ये सिरप यूज कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें, इस सिरप के खुलने के बाद 14 दिन के अंदर ही यूज करें, क्योंकि उसके बाद ये सिरप यूज ना करें। 14 दिन के अंदर अगर ये सिरप ख़त्म नहीं भी हुआ है तो भी इस सिरप का यूज़ ना करवाएं और फेंक दें। नंबर टू, इस सिरप का यूज़ करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें। चलिए अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। वोमिटिंग, स्किन रैशेज, माउथ ड्राई, अगर रेयर केस में ये दिखे तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, यूज़ करना बंद कर दें सिरप पे और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।